आप उस दरदरी जिंदगी से आजाद होके, जो आप इतने सालों से किराया भर रहे हो, आपने 15-15 लाख रुपए तो किराया ही भर दिया होगा दिल्ली के अंदर रहते हुए, आज उस जगह से निकल के आप अपना घर खरीद सकते हैं, जो आपको ये मौका मिला है, ये मौका बार बार नहीं मिलता। कल को आपका मन जब बने कि मैं ले लूं, तो ये फाइनेंसरों के पास चले जाएंगे और यही जो कीमत आज 11,65,000 है, क्या पता उस टाइम आपका मन करे उस प्रॉपर्टी को, उस फ्लैट को लेने का, तो वो आपको दुगना तिगना या चौगने प्रॉपर्टी उस टाइम पे उस फ्लैट की कीमत हो गई हो और आप तब ले, तो आप उस टाइम सोचोगे कि हाँ सब कुछ आ गया है, मेट्रो आ गई है, आज इसका नाम द्वारका से भी ऊपर हो गया है। कल को द्वारका का भी कोई नाम नहीं था, नोएडा का भी कोई नाम नहीं था, रोहिणी का भी कुछ नाम नहीं था, गुरुग्राम का भी नाम, आज वो ब्रांड है। तो ये भी आपके नजरों में आने वाले समय में एक ब्रांड बन के उभरेगा, उनसे भी बढ़कर उभरेगा। आज ही आपके पास मौका है, कोयले में से हीरे निकलते हैं और ये भी एक दिन ही अपना नाम कमाएगा और हीरा बन जाएगा। हीरा बनने से पहले इस कोयले को खरीद लें, नहीं तो आपके जिंदगी में जो ये इतना बड़ा सपना पूरा होने वाला है वो बाद में नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं नारंग प्रॉपर्टी से, DDA हाउसिंग स्कीम चल रही है। इस बार की जो ये स्कीम है, इसके अंदर आप अपनी पसंद का फ्लैट बुक कर सकते हैं, जो आपको पसंद आएगा उसी का आपको बुकिंग अमाउंट देना है। पहले वाला जो स्कीम होती थी, आपको लॉटरी वाला सिस्टम होता था, पर्चियां डलती थी और आपको ये नहीं पता होता था आपका नरेला में निकलेगा, रोहिणी में निकलेगा, द्वारका में निकलेगा या दिल्ली के किस कोने में निकलेगा और कौन सा फ्लोर निकलेगा। मगर अब ये स्कीम बदल चुकी है। अब इस बार की जो ये स्कीम है, इसके अंदर आपको जो फ्लैट पसंद आता है, चाहे नरेला में आए चाहे रोहिणी में आए, आपको आना है, देखना है और अपने फ्लैट की लोकेशन जो आपको पसंद आ रहा है उसी फ्लैट का आपको बुकिंग अमाउंट देना है। EWS का 50,000 रुपये है और LIG का 1,00,000 रुपये है। EWS जो फ्लैट्स है वो नरेला के सेक्टर G2 में और A1 से A4 के अंदर है। जो G2 का जो प्राइस है और G7 G8 में भी है, G2 का जो प्राइस है वो 11,65,000 रुपये है और जो G7 G8 का प्राइस है वो 14,00,000 रुपये है। A1 से A4 का जो प्राइस है वो 31,50,000 से लेकर 32,50,000 रुपये है। जो G2 और G7 में जो AWS फ्लैट्स बने हैं वो ग्राउंड फ्लोर से लेकर फोर्थ फ्लोर तक हैं और दोनों ही देखने में बिल्कुल सेम पॉकेट है, बस प्राइस का फर्क है। जो G2 का प्राइस है वो 11,65,000 रुपये है और G7 और G8 का प्राइस है 14,00,000 रुपये। और A1 से A4 के जो AWS फ्लैट्स हैं उसके अंदर क्या है, उनका थोड़ा साइज बड़ा है, साथ में बालकनी का साइज भी बड़ा है और साथ में आपको ग्राउंड फ्लोर पर आपको पार्किंग मिल जाती है और अंडरग्राउंड फ्लोर पर भी पार्किंग मिल जाती है। और इनका जो प्राइस है 31,50,000 से लेकर 32,50,000 रुपये है। मगर लोगों को G2 G7 के फ्लैट पसंद आ रहे हैं क्योंकि सस्ते भी हैं, ऊपर से जो फैमिली इनकम है वो 10,00,000 रुपये होनी चाहिए और उनका प्राइस DDA ने ज़्यादा रखा है 31,50,000 से लेकर 32,50,000 रुपये, इसलिए वो फ्लैट कम बुक हो रहे हैं। सुनने में कुछ ऐसा भी आ रहा है जो ये कंडीशन है DDA हटा सकती है और उनका शायद कैटेगरी बदल के उनको LIG भी कर सकती है। हो सकता है, सुनने में ये भी आ रहा है कि जो सेक्टर G2, G7 और G8 के भी फ्लैट्स हैं उनकी भी कैटेगरी हटा के LIG कर दे, क्योंकि DDA को फ्लैट बेचने हैं, इस कंडीशन की वजह से वो नहीं बेच पा रहे कि फैमिली इनकम 10,00,000 होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन हटा दी तो हो सकता है अभी आपके पास मौका है DDA के फ्लैट बुक करने का, खरीदने का, हो सकता है फिर आपका ये जो सपना है वो अधूरा रह जाए, क्योंकि अगर ये कंडीशन हटाई हो सकता है प्राइस भी बढ़ा दे। प्राइस बढ़ेंगे जो EWS के 11,65,000 वाले हैं, हो सकता है ये 14,00,000 से 15,00,000 के भी हो जाए कंडीशन हटाने के बाद। और ये जो फ्लैट आप जो किराए की जिंदगी जी रहे हैं और चाहते हैं अपनी फैमिली को एक सपनों भरा घर लेके देना, उनका ये सपना अधूरा हो जाएगा। अभी आपके पास वो सपना पूरे करने की
क्षमता है कि आप वो सपना पूरा कर सकते हैं। अगर ये प्राइस बढ़ा दिए तो ये फ्लैट चले जाएंगे बड़े बड़े फाइनेंसरों के पास, उन्होंने इनमें रहना नहीं है, उन्होंने इनको किराए पे देना है। जैसे ही प्राइस बढ़ेंगे इनको उन्होंने 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए में आप सब लोगों को ही बेचना है। अगर आप लोग वो फायदा उठाना चाहते हैं, इस कीमत को बढ़ने से पहले खरीदना चाहते हैं, तो अभी आपके पास मौका है ये 11,65,000 रुपये के सेक्टर G2 में EWS खरीदने का, और काफ़ी अच्छे हैं, लोगों को पसंद आ रहे हैं। अगर आप LIG खरीदना चाहते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, वो जो बने हैं 12 से 13 मंजिल बने हैं, 55 गज के हैं, उनके अंदर आपको लिफ्ट मिल जाती है और पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है, ओपन स्पेस है और काफ़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, अंदर ही काफ़ी बड़े पार्क दे रखे, कम्युनिटी हॉल है और पूरी बाउंड्री वॉल के अंदर एक अपार्टमेंट सोसाइटी फ्लैट है। AWS भी और LIG भी दोनों का जो उसके अंदर दो गेट हैं सोसाइटी के, एक एंट्री गेट है एक एग्जिट गेट है, और 21,10,000 रुपये की ये LIG फ्लैट्स हैं जिनके अंदर आपको टाइल वगैरह का वर्क मिल जाता है। साथ में ही इनका जो बुकिंग अमाउंट है वो 1 लाख रुपए है। दोनों में ही आपको 80 से 90% के आसपास लोन हो जाता है। अगर आप भी चाहते हैं किराए की ज़िंदगी से आज़ाद होना, अपने बच्चों को एक घर देना और उनको एक अच्छा माहौल देना है, तो सोसाइटी अपार्टमेंट के अंदर रखना जहाँ बच्चों का माहौल भी अच्छा होता है, बच्चों को अच्छा भी लगता है और आप बेफिक्र होके उनको पार्क वगैरह में छोड़ सकते हो, क्योंकि ऐसे माहौल में अच्छे ही लोग आते हैं और अच्छे ही लोग आ रहे हैं। कुछ ही दिन में यहाँ पर 500 से 600 फैमिली आ जाएगी, क्योंकि पोजेशन मिलने शुरू हो गए हैं और 500 से 600 लोगों को पोजेशन मिलना है। महीने 15 दिन या 1.5 महीने 2 महीने के अंदर इन फ्लैटों के अंदर पूरी आबादी आ जाएगी। आप भी आ जाएं और आप भी इन सब के साथ रहें, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ कुछ ही टाइम के अंदर मेट्रो आ जाएगी, बहुत सारे यहाँ स्कूल है, मार्केट है, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं और खुला वातावरण है, हर जगह हरियाली है, दिल्ली जैसा पोल्यूशन एरिया नहीं है, नया एरिया है, हर किसी को पसंद आएगा, आपको भी पसंद आएगा। आपके पास मौका है आज अपने बच्चों को वो घर देने का, एक सुकून भरी जिंदगी जीने का, उस किराए की जिंदगी से आजाद होने का। आप उस दरदरी जिंदगी से आजाद होके जो आप इतने सालों से किराया भर रहे हो, आपने 15-15 लाख रुपए तो किराया ही भर दिया होगा दिल्ली के अंदर रहते हुए, आज उस जगह से निकल के आप अपना घर खरीद सकते हैं। जो आपको ये मौका मिला है, ये मौका बार बार नहीं मिलता। कल को आपका मन जब बने कि मैं ले लूँ, तो ये फाइनेंसरों के पास चले जाएंगे और यही जो कीमत आज 11,65,000 है, क्या पता उस टाइम आपका मन करे उस प्रॉपर्टी को, उस फ्लैट को लेने का, तो वो आपको दुगना तिगना या चौगुनी प्रॉपर्टी उस टाइम पे उस फ्लैट की कीमत हो गई हो। और आप तब लें तो आप उस टाइम सोचोगे कि हाँ सब कुछ आ गया है, मेट्रो आ गई है, आज इसका नाम द्वारका से भी ऊपर हो गया है। कल को द्वारका का भी कोई नाम नहीं था, नोएडा का भी कोई नाम नहीं था, रोहिणी का भी कुछ नाम नहीं था, गुरुग्राम का भी नाम, आज वो ब्रांड है। तो ये भी आपके नजरों में आने वाले समय में एक ब्रांड बन के उभरेगा, उनसे भी बढ़कर उभरेगा। आज ही आपके पास मौका है, कोयले में से हीरे निकलते हैं और ये भी एक दिन ही अपना नाम कमाएगा और हीरा बन जाएगा। हीरा बनने से पहले इस कोयले को खरीद लें, नहीं तो आपके जिंदगी में जो ये इतना बड़ा सपना पूरा होने वाला है वो बाद में नहीं होगा। तो वीडियो समझ में आई तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, उन तक पहुंचा दें जिनका सपना है किराए की जिंदगी से आजाद होकर अपने सपनों का घर खरीदना। फाइनेंसरों के लिए भी नरेला काफी अच्छा है, वो भी आकर देख सकते हैं। ऐसे ही वीडियो को प्यार देते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, आप सबका दिन शुभ हो। दिखती होंगी।